नमस्कार रुआ, आज तक देख रहल बानी और हम रुआ साथे बानी आई नैना। आज रुआ खातिर खबर लेके आयल बानी, उहो भोजपुरी में। तो आई खबर के शुरुआत कइल जाए। आज भारत गठबंधन के चौथा बैठक भइल। ई गठबंधन लगभग 3 घंटा तक चलल। अबूरी एकरा में विपक्षी दल के सब नेता भी मौजूद रहले। एह बैठक के दौरान नेता लोग के बीच बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा पर चर्चा भइल। एही बीच ममता बनर्जी भी मल्लिकार्जुन खड़गे के पीएम उम्मीदवार बनावे के सहमति जतवली। बैठक के बाद नेता लोग इहो बतवले कि 3 सप्ताह के भीतर सब मुद्दा के संबंध में तस्वीर साफ हो जाई। जवना के बाद गठबंधन आधिकारिक तौर पर पीएम फेस समेत गठबंधन के उद्देश्य अबूरी विचार के घोषणा करी। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 के मिनी नीलामी मंगल का दिने दुबई में भइल। एह नीलामी में खिलाड़ियन पर पैसा बरसा गइल बा। मिनी नीलामी के दौरान पहला बोली रोवमन पावेल पर लगावल गइल। फिर हैरी ब्रुक आर ट्रेविस हेड जीसन सितारन पर पैसा के बरखा हो गइल। एह नीलामी से बहुते खिलाड़ी करोड़पति बन गइल बाड़े। ध्यान देवे वाला बात बा कि आईपीएल नीलामी 2024 के मिनी नीलामी में सब 10 टीम 77 स्लॉट खाती खिलाड़ी पर दाव लगाई। नीलामी खातिर कुल 333 खिलाड़ी अपन नाम दिखले बाड़े। नीलामी खातिर चुनल गईल 333 गो खिलाड़ियन में से 214 गो भारतीय बाड़े, जबकि 119 गो विदेशी खिलाड़ी बाड़े। देश में फिर से कोरोना के खतरा बढ़े के आशंका बा। भारत में कोरोना JN1 के नया वेरिएंट के पहला मामला सामने आयल बा। एकरा बाद केंद्र सोमवार का दिने राज्य ना केंद्र शासित प्रदेशन से लगातार निगरानी राखे के कहलसी। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव सुधांश पंत राज्य अबूरी केंद्र शासित प्रदेश के लिखल चिट्ठी में रेखांकित कईले कि केंद्र अबूरी राज्य सरकार के बीच लगातार अबूरी सहयोगी काम के चलते हमनी के केस के संख्या कम करे में कामयाब भईनी। एकरा साथे ही 15 आ 17 दिसंबर के पिछला 3 दिन के भीतर COVID-19 के 300 से अधिका केस दर्ज भइल बा। पिछला 24 घंटा में कोरोना के 235 मामला दर्ज भइल बा। भारत के सबसे वांछित आतंकी दाऊद इब्राहिम के अंत करीब आ गईल बा। ओकरा के जहर खाए के खबर बा। दाऊद कराची के एगो अस्पताल में 2 दिन खातिर भर्ती बाड़े। सुरक्षा बल के ओर से उहां कड़ा सुरक्षा बा। दाऊद के लेखे पाकिस्तान सरकार अबूरी स्थानीय मीडिया तक चुप बाड़े। एकरा संगे संगे पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी दावा कैले बाड़े कि दाऊद मौत के बहुत करीब बाड़े। इंटरनेशनल टेररिस्ट डी कंपनी एह तरह के खबर से इनकार कैले बिया। संसद में घुसपैठ के मुद्दा पर सत्ताधारी दल आ विपक्ष आमने सामने बा। विपक्ष सदन में गृह मंत्री के बयान के मांग कर रहल बा आ एह मांग के लेखे लगातार हंगामा मच रहल बा। अब एकर मतलब ई बा कि लोकसभा आ राज्यसभा में अतना बढ़हन निलंबन का बाद संसद में विपक्षी भारत गठबंधन के प्रतिनिधित्व लगभग खत्म हो गईल बा। बाकिर तभियों दोनों पक्ष का बीच के तनाव खत्म नइखे होखत। अब लोकसभा से विपक्ष के 95 सांसद के निलंबित कर दिहल गईल बा और ई पार्टी के मात्र 67 सांसद बाछल बाड़े। एही तरह राज्यसभा में विपक्षी दल के 64 में से 46 सांसद के निलंबित कर दिहल गईल बा। बाकी दल के 76 सांसद के निलंबित कर दिहल गईल बा। तो ई भोजपुरी भाषा में आज के बड़का खबर रहे जवन सुर्खी बन गईल। हमनी के ई कंटेंट कैसन लागल कमेंट करके जरूर बताई। काल्ह फेरू हमनी के भोजपुरी भाषा में बड़ खबर लेके रुआ खातिर मौजूद रहम जा। फिर अपन ख्याल राखी जा।